हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7.6 करेंगे, क्लास 6th का, और यूनिट का नाम हमारे पास है ज्योमेट्री। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन नंबर इसका 3 है कि ड्रॉ एंगल ऑफ द गिवन मेजर विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर हमने यूज करना है ये चीज, ठीक है। इसकी मदद से आपने एंगल ड्रॉ करना है, बाइसेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, और फिर उसको बाइसेक्ट करना है किसकी मदद से, रूलर और कंपास की मदद से। और फिर आपने ये देखना है कि जो आपने बाइसेक्ट किया है क्या वो दो पार्ट इक्वल आ रहे हैं इस चीज के, मतलब ये उन दोनों पार्ट को जब आप ऐड करें तो आपके पास जो गिवन एंगल होना चाहिए वो आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 70, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगी कि अपनी मर्जी से हमने कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये हमने कर दी एक लाइन ड्रॉ, 8 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। हाँ जी, अब हमने क्या करना है कि अपनी मर्जी से इसका रेडियस ओपन करना है। मोस्टली जो सा स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है वो होती है कि हम इसको 1 सेंटीमीटर तक रखते हैं, ठीक है। तो मैं 1 की जगह पर 2 तक ले रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब हमने 70 का ड्रॉ करना है, तो हमने यहाँ से एंगल, यानी कि यहाँ पर हमने इसकी आर्क लगा लेनी है ऐसे करके, ठीक है, जितना हमने खोला था ये हमने आर्क लगा दी। अब आपने ये जो हमारे पास कंपास है इसको आपने खोलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे किससे करना है, सबसे पहले इसको बाइसेक्ट करना है, प्रोटेक्टर की मदद से करना है। हाँ जी, प्रोटेक्टर की मदद से करना है। तो हमारे पास जब लाइन लगाएंगे तो हमने यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे हमने रख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास 70 का एंगल है तो हम लोग 70 का एंगल बनाएंगे। तो जब हमने इधर रखना है तो हमने ये जो नीचे रेड लाइन है इसको देखना है। तो 70 का एंगल हमारे पास कहाँ बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे हमने रखी और 70 की हमने यहाँ पर ये हमने पॉइंट आउट कर दिया है। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप आपने यही करना है, लाइन के बाद आपने इस प्रोटेक्टर की मदद से ये 70 का एंगल ड्रॉ करना है। फिर आपने क्या करना है कि बाइसेक्ट करना है गिवन एंगल को विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ कंपास, ठीक है, कंपास से करना है। अब ये आपके पास क्या है कि कंपास है, आपने उसी तरीके से जैसे हमने रेडियस खोला था, मैं इसकी मेजर कर लेती हूँ कि मैंने कितना खोला था, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने इसका खोला था। अब 70 का जो हाफ होता है वो हमारे पास कितना होता है, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। 70 और इसका हाफ हो गया, 2 3s are 6, 2 5s are, यानी कि 35 का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। अब 35 का किस तरीके से बनता है कि ये हमारे पास 70 है, 70 सबसे पहले आपने 60 का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने रख कर ये आर्क लगाई है, ये हमारे पास हो गई 60 का, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एंगल 60 का। अब 60 और 30 का पहले ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख कर, ठीक है, हमने यहाँ पर ड्रॉ किया एक आर्क, फिर यहाँ पे रखकर हमने ड्रॉ किया ये आर्क। तो ये हमारे पास जो बना है ये हमारे पास बन गया है 30 का, ठीक है। लेकिन हमें 35 चाहिए, तो 35 किसके दरमियान में होगा, 30 और 60 के दरमियान में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखूँगी और एक आर्क लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर एक बनेगा, ये हो गया 30 पे और ये हो गया हमारे पास 60 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन रहा है 35 का, ये, ठीक है। ये जो एंगल बनना है ये वाला, ये भी 45 का है, और ये जो एंगल है ये भी 45 का, ठीक है। इस तरीके से आपने एंगल को ज्वाइन करने हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि जो 75 होता है वो हमारे पास, सॉरी 35 का, तो ये 35 का बना है और ये भी 35 का बना है, इन दोनों में जो काम होता है वो 75 का।
हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है 130, 130 का आप लोगों ने खुद बनाना है। पहले आपने प्रोटेक्टर की मदद से ये 130 को ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने इसको बाइसेक्ट करना है। तो 130 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, 2 6 आर 12, 2 5 आर 10 आ जाएगा, यानी कि आपकी जो एंगल बाइसेक्ट करके, यानी ये जो दो हिस्से बनने चाहिए, ये भी 65 का और ये भी 65 का बनना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब हमने इसका बनाना है 40 का। 40 का हमने बनाना है, तो सबसे पहले हम उसी तरीके से क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 सेंटीमीटर ही रखूँगी, ठीक है, ताकि फिगर आपको क्लियर समझ आए। 8 सेंटीमीटर ही मैंने रखे है, ये ए और ये बी है, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इसके बाद मैं प्रोटेक्टर की मदद से 40 का एंगल बनाऊँगी। जब मैंने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर, तो मेरे पास जो एंगल बनना चाहिए वो आपने कहा 40 का देखना है। तो आपने इधर अगर यहाँ पर रखा है तो ये जो नीचे रेड लाइन है इसको आपने देखना है। तो 40 का एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये अब हम इसको क्या कर लेते हैं कि ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ जी, इसको जब हमने ज्वाइन किया, ये इधर हमने इसको मिला लेना है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन गया है हमारे पास, ये हमारे पास 40 का एंगल बना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अपने प्रोटेक्टर को खोल लेना है और खोल के आर्क लगा लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि थोड़ी सी मैं बड़ी लगाऊंगी, आप 1 सेंटीमीटर की भी रख सकते हैं। ये हमने आर्क लगा दी। अब 40 का मैंने बनाना है, तो 40 का हाफ हमारे पास क्या होता है, 40 को 2 पे डिवाइड करूंगी तो ये हमारे पास 20, मतलब कि 20 का हमने बनाना है, ठीक है। तो 20 का कैसे बनेगा, यहाँ पर हमारे पास 40 का बना है। अब यहाँ पर रखकर जब मैंने आर्क लगाई, ठीक है, यहाँ पे रखकर मैंने आर्क लगाई, तो ये हमारे पास हो गया 60, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारे पास 20 आना चाहिए। तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे मैंने 60 का ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे रखकर ये मैंने 60 का ड्रॉ किया है। अब ये 20 किसके दरमियान में आएगा, यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर 30 का पहले मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक आर्क लगाई, फिर 60 पे रखकर मैंने एक आर्क लगाई, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका बन गया, ये जो एंगल बना है ये हमारे पास 30 का बना है। अब हमारे पास 20 चाहिए, तो वो 0 और 30 के दरमियान में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रखती हूँ, यहाँ पर रखकर मैंने एक आर्क लगाई, ठीक है, और इसी तरह 30 पे रखकर मैंने दूसरी आर्क लगाई। ये दोनों आर्क आपस में कट हो जाएंगी, ठीक है। जब ये कट हो जाएंगी तो फिर हमने इन लाइंस को, यानी कि ये जो हमारे पास है 20-20 वाला, इसको आपस में मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन करती हूँ ताकि ये चीज़ें मिक्स ना हो, ठीक है। ये हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर ली। अब ये भी एंगल 20 का बन गया और ये वाला भी एंगल 20 का बन गया। इसके बाद आपने करना ये है कि ये जो आपने 30 का बन, ये जो है 30 वाला, इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। तब हमने इसको रिमूव कर दिया तो ये सिर्फ 20 का रह गया। अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये एंगल हमारे पास ठीक है। आप चाहें तो प्रोटेक्टर की मदद से भी कर सकते हैं, यहाँ पे रखें और देखें कि 20 का एंगल कहाँ बन रहा है, तो 20 का एंगल यहाँ पर ही बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास 20 का एंगल बन गया। हमने क्या किया, 20 + 20 इनको ऐड किया, तो ये हमारे पास आ गया है 40, ठीक है। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 100 हमारे पास है। इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, 8 सेंटीमीटर की ही मैंने की है, ये ए और ये बी, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। इसके बाद मैंने प्रोटेक्टर की मदद से 100 का जो एंगल है उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, 100 के एंगल को प्रोटेक्टर रखना है यहाँ पर। ये हमने 100 ड्रॉ करना है, तो रेड लाइन को मैंने देखना है, यहाँ पर ये 100 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये हमने इसका एंगल ड्रॉ कर दिया है 100 का, ये 100 का आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है, 100 को बाइसेक्ट करना है। तो 100 को मैं 2 पे अगर डिवाइड करूं तो इसका आंसर 50 आएगा, मतलब कि एंगल आपके पास 50-50 के बनने चाहिए। आपने क्या करना है, उसी तरीके से अपनी जो कंपास है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। बहुत ही ख्याल से ये स्टेप करने हैं, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिया। हाँ जी, अब ये देखना है कि 100 जो है इसमें हमारे पास जो 50 है वो कहाँ बनता है। हम क्या करेंगे, 60 का पहले यहाँ पर देखें कि ये मैंने 60 को ड्रॉ किया है, 60 का और 50 हमने बनाना है। तो 50 कहाँ बनेगा, 60 और 30 के दरमियान में 50 बनेगा, ठीक है, सॉरी 60 और 45 के दरमियान में बनेगा। तो यहाँ पर जब मैंने ड्रॉ किया है, ये मेरे पास हो गया 60 का, ठीक है, सॉरी ये 60 का है, ये हमारे पास आ गया 30 का, ठीक है। अब 30 पे रख के मैंने 45 का बनाना है, यहाँ पे मैंने रखा है और यहाँ पर मैंने ड्रॉ की लाइन, और इस तरह से 60 पे रख कर मैंने ड्रॉ की लाइन, तो ये मेरे पास बन गया है 45 का एंगल, ठीक है। अब मुझे 50 चाहिए, तो 50 कैसे बनेगा, यहाँ पर रख कर एक लाइन को मैंने ड्रॉ कर, यानी कि एक आर्क मैंने यहाँ ड्रॉ की है,
और इस तरह यहाँ पे रख कर ये दूसरी आर्क ड्रॉ कर ली। तो ये जो मेरे पास एंगल बना है ये वाला, ये मेरे पास बना है किसका एंगल बन गया, 50 का एंगल बन गया, ठीक है। अब जो हमारे पास बाकी लाइनें थी, हाँ जी, अब हमने जस्ट इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये जो आपने ख्याल से करना है, ये वाली जो आपके पास 50 वाली है इसको आपने ज्वाइन करना है। तो ये आपने इसको 50 वाली को ज्वाइन कर लिया, तो ये भी आपके पास 50 का एंगल बन गया और ये भी 50 का एंगल बन गया। चाहे तो अपने जो कंपास है उससे भी आप नोट कर लेना है। अब यहाँ पर देखें 50 और 50 को हमने ऐड किया तो इसका आंसर 100। हाँ जी, ये हमारे पास 50 और 50 यानी 100 का हमारे पास एंगल बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट करना है कि किस तरीके से एंगल करने हैं और किसके दरमियान में क्या एंगल होता है, ठीक है। और हाँ जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।